शाही टाण, पतरातू, रामगढ़, यहाँ आज हमारे समाज के धर्म अगुआ, सर्विस करते हुए बेहतरीन अगुआ सुनील मुंडा और हमारे जो धर्म वाहन है सुनीता उराव, जिसके घर में झंडा अभी बृहस्पतिवार को ही यहाँ पर झंडा स्थापित किए। तो मैं चाहूँगा हमारे धर्म अगुआ सुनील मुंडा जी से कि यहाँ जो झंडा गाड़ी हुआ उसका विशेषता और क्या सोच और किस तरह से यहाँ अगुवाई हो रहा है आपका। जी, सबको पुनः जोहार। जय धर्मेश। पिछले 1 तारीख को मंजू उराव पिता जगेश्वर उराव के घर में राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के तत्वाधान में एक दिवसीय भजन रखा गया और इस घर में घर शुद्धिकरण और शरीर शुद्धिकरण और इस झंडा का जो हर घर में होना चाहिए और आदिवासी हम लोग का एक झंडा नहीं रहने के कारण हम लोग का आदिवासी जो है विभिन्न धर्मों में बटा हुआ है और हमारा जो एकता है वो टूटा हुआ है, जिसके चलते आज हम लोग का हर एक घर में सरना झंडा और बाबा माँ का सेवा पूजा होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हमारा समाज अपना पुरखौती चीज़ को, धर्म कर्म को, सिस्टम कस्टम रीति रिवाज परंपरा संवैधानिक अधिकार को जान जाएगा, उस दिन हमारा साथ में कोई भी गैर आदिवासी जुल्म शोषण अत्याचार नहीं करेगा। और झंडा जिस घर में माँ का आशीर्वाद रहता है, बाबा धर्मेश का आशीर्वाद रहता है, उस घर में शांति, सद्भावना और उच्च विचार और तरक्की उन्नति का रास्ता खुलता है। और हम लोग का जो है उस महान धर्मेश सिंह गंगा धरती में सरना चला पाचू गवांट पुरखा लोग का जो महिमा है उसका हम लोग दिन प्रतिदिन प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपके रियाम किस तरह से काम चल रहा है अभी सरना समाज का? जी हाँ, हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ से भी धर्म भाई बहन लोग आते हैं उसका जो भी दिक्कत परेशानी रहता है या फिर नहीं भी रहता है, जो भी झंडा लेना चाहते हैं स्वेच्छा से उन लोग को बताया जाता है, समझाया जाता है कि इस धर्म में आने से क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ है, सारा चीज़ को बताते हुए उन लोग को धर्म की रास्ता से अवगत कराया जाता है और उन लोग को धर्म को मानने का तरीका बताते हुए उन लोग को धर्म में लाया जाता है। चाहेंगे कि हमारे जो धर्म वाहन है जो अपना परिचय देते हुए बताएंगे कैसा महसूस आपको लग रहा है अभी। मेरा नाम आरती उराव, ग्राम सहीटा, पंचायत कोटो, थाना पतरातू, जिला रामगढ़ के रहने वालों। इस घर में माँ का उपास हुआ था मेरा 9 दिन का, तो शरीर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा भी पूजा पाठ सेवा में भी अपने से भी अधिक करना चाहिए। घर में अभी जितना भी 1 तारीख को जितना भी आया था भजन में सब शामिल था और घर में स्थापना 1 अक्टूबर को हुआ था और जितना मेरा घर में दुख तकलीफ था सब दूर हुआ। अभी शरीर में भी घर में भी महसूस हो रहा है कि दुख तकलीफ धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपका पापा क्या नाम है? जगेश्वर उराव। मम्मी क्या नाम है? सुशीला। चलिए ठीक है, इसी तरह से हमारे समाज के एक एक व्यक्ति में अपना मूल धर्म, खास धर्म और अपने जो आदिवासियों का विशेष धर्म की ओर हर आदमी का झुकाव और इधर अपने तरफ हो, तभी अपना सरना समाज सुरक्षित और व्यवस्थित रहेगा।